गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ अवर सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9. सो वी ऑलरेडी मच डिस्कस्ड अबाउट अवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. सो वी आर नाउ, दिस इज़ योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 9. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR. सो अब हम देखेंगे कि इतना सब जो स्टार्टिंग से हमने देखा था कि इतनी सारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, लिबरल्स, रेडिकलिज्म, कंजर्वेटिव्स देखे थे जिसमें हमने, और फिर हमने देखा था कि बहुत सारे उसमें जो गवर्नमेंट्स थे उसमें चेंजेस आए थे. उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुई थी उसका भी अलग ही इम्पैक्ट आया था. सो अब जो रशियन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस था वो क्या था, और उसमें से जो अलग रीज़न बना था USSR, उसका क्या था. एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक took power and kept it. So क्या हुआ था कि जो power already चल रही थी, जो socialist party वहाँ पर already थी यूरोप में, वो अब पूरी तरीके से उनके हाथ में power आ गई थी. However, the possibility of the workers state fired people imagination across the world. और इसी कारण से ये भी possible हो पाया था कि जितने भी workers थे उनको हटा दिया गया था कुछ को, और कुछ को उनकी imagination वो कर भी नहीं सकते थे अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब उनके वर्ल्ड के बाहर भी उन्हें अलाउ किया जाता था, मतलब कंट्री के बाहर जाने. हाउ एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड. और काफ़ी सारी ऐसी कंट्री थी अब जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो गई थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जैसे हम इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीरियड टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. सो इन लोगों ने लोगों को बहुत ज़्यादा, जो इस समय यहाँ की पार्टी थी, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एनकरेज करा था ताकि ये लोग नए एक्सपेरिमेंट करें और जिससे रशिया को न्यू सक्सेस मिले. मैनी नॉन रशियन फ्रॉम द आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. और क्या हुआ था इसमें, जबकि मैनी नॉन रशियन पार्टीज़ थी, यानी कि जो USSR रीजन की पार्टीज़ थी जो कि रशिया से पहले ही अलग हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, उस समय वहाँ पे उन पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 में, और जिसमें ये फाउंड किया गया था कि, और इन लोगों ने इंटरनेशनली जब, मतलब दूसरे नेशंस के अगेंस्ट में, चाहे वो रशिया था या USSR था, तो इन दोनों ने ही मिलके एक पार्टी फॉर्म की थी. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर इनने क्या पॉलिसी रखी थी कि कुछ लोग जो थे वो USSR कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन ले सकते हैं ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. और किसके लिए थी वो वैसे, ईस्ट में, क्योंकि USSR रीजन और रशियन रीजन जो था ये एक रिवर से अलग हो रहे थे, जो हमने पहले पढ़ी थी कि रिवर नेवा, जो एक रिवर नेवा के ईस्ट में था और एक रिवर नेवा के वेस्ट में था. बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्ट्रेच. और जिस, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे USSR रीजन जो था वहाँ, जब तक वो सोशल हो चुका था. येट बाई द 1950s इट वॉज एक्नॉलेज्ड विद द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन USSR वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियाज़ ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. और 1950 तक जो अनादर कंट्री थे, मतलब उसके नेबर कंट्रीज थे, या और जो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको भी ये अच्छे से समझ आ गया था कि जो USSR गवर्नमेंट का स्टाइल था, जो उनका सोशलिज्म था, वो सिर्फ इसीलिए नहीं था, वॉज नॉट कीपिंग विद द आइडियाज़ ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, मतलब वो सिर्फ रशियन रेवोल्यूशन को देखते हुए नहीं था. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. क्यों नहीं उनने उसको सिर्फ ध्यान में रखा था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत, कि जो भी सोवियत यूनियन में हुआ था वो सब कुछ सही नहीं था. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. इसलिए जो एक बैकवर्ड कंट्री था अब उसके पास सारी पावर आ गई थी. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बींग फैट. और अब इतने डेवलप हो गए थे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप था, 85% लोग इंगेज थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना
डेवलप हो गया था कि अब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं थी एंड दे वर एम्प्लॉयड। और इसके साथ जो उनके ग्रेन्स के प्राइजेस थे वो भी कंट्रोल हो गए थे, जिससे जो इतनी बड़ी फैमाइन हुई थी उस पर भी उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। बट इट हैड डिनाइड द असेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिटिक्स। पर उन्हें जो सबसे बड़ी चीज़ को डिनाई किया था वो ये था कि उनने अपने सिटीजन्स की फ्रीडम को, मतलब उनकी लिबर्टी को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था और सिर्फ कंट्री का डेवलपमेंट किया था। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिनाउड थ्रू इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल इंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। सो इस समय जो ये बैकवर्ड कंट्री था रशिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आगे आया था, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों ही डेवलप थे। लेकिन जब तक 20th सेंचुरी का एंड आया, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिनाइड, कि USSR की जो एक पहचान थी, जो एक रेपुटेशन थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री, उस चीज़ को डिनाई कर दिया गया था। और डिनाई क्यों किया था, इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट, ये चीज़ वहाँ देखी गई थी कि उन लोगों ने पहले ही नोटिस किया था कि डेवलप तो हुआ बट लिबर्टी की तरफ, जो सिटीजन्स की लिबर्टी होती थी, फ्रीडम होती थी, उधर की तरफ कम ध्यान दिया गया। इस वजह से इट वॉज रिकॉग्नाइज दैट सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल इंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, कि वहाँ पे जो सोशलिस्ट होते थे सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। बट इन ईच कंट्री, अगर उसकी बजाय हम दूसरी कंट्रीज में देखें, द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट, पर वहाँ पे और कंट्रीज में अभी और सोचा जा रहा था कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए। अब हम इसमें देख सकते हैं, जिसमें इसमें हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि लास्ट में रेड रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एन इंडियन अराइव इन सोवियत रशिया इन 1920, कि इंडियन में इसकी क्या वो मानी गई थी 1920 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स वी वर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियन, ये पहली बार देखा गया था 1920 में कि यूरोपियंस इतने फ्री होके एक दूसरे से मिक्स हो रहे थे विद एशियंस के साथ। अदरवाइज़ क्या होता था, इन लोगों के ज़्यादातर मोनार्ची या डिक्टेटरशिप होती थी यूरोप में, जिसमें उनको फ्रीडम नहीं होती थी। ऑन सीइंग द रशियंस माइंडिंग फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री वर कन्वीनियंस दैट वी हैड कम टू अ लैंड ऑफ इक्वालिटी। और फिर उनको, रशिया वालों को यूरोप और एशिया के साथ ये रियलाइज़ होता है कि जो उनके पास थी वो रियल फ्रीडम नहीं थी, रियल फ्रीडम उनने यहाँ पे देखी। वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट इन स्पाइट ऑफ देयर पॉवर्टी इम्पोज्ड बाय द काउंटर रेवोल्यूशनरीज एंड इम्पार्शलिस्ट द पीपल वर मोर जोवियल एंड सेटिस्फाइड दैन एवर बिफोर। अब पीपल इतने ज़्यादा सेटिस्फाई थे कि वो जितने पहले कभी नहीं थे। द रेवोल्यूशन हैज़ इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन दैम। द रियल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड वुड बी सीन हेयर अमंग दीज पीपल ऑफ 50 डिफरेंट नेशनलिस्ट। नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड दैम फ्रॉम मिक्सिंग फ्रीली विद वन अनादर। एवरी सोल वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू ऑरेटर। वन कुड सी अ वर्कर, अ पीजेंट और अ सोल्जर हॉगिंग लाइक अ प्रोफेशनल लेक्चर। सो कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से था, किसी भी सेक्टर ऑफ इकनॉमी से था, पर सब फ्री थे एंड दे वर इंजॉइंग। हम इसमें लास्ट देख सकते हैं, दैट इज़ आर सोर्स जी, रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम द रशिया इन 1930। मैस्को अपीयर्स, जो रविंद्रनाथ टैगोर में लिखा है रशिया के बारे में उसको देखेंगे। मैस्को अपीयर्स मच लेस क्लीन दैन द अदर यूरोपियन कैपिटल्स। तो मैस्को जो कि रशिया की कैपिटल थी वो बाकी यूरोपियन कंट्री से कम क्लीन थी। नन ऑफ दीज हरिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स लुक स्मार्ट। उसकी स्ट्रीट्स जो थी, मतलब डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अभी इतना ज़्यादा डेवलप एंड क्लीन नहीं था। द होल Place belongs to the workers. Here the masses have not in the least been put in the shade of by the gentlemen. सो जो लोग थे वो भी ज़्यादातर वर्कर क्लास के थे, एज सच इतना हाई नहीं थे। Here the masses have not in the least been put in the shade by the gentlemen. Those who lived in the background for ages have come forward in the open today. I thought of the peasants and workers in my own country.
It all seemed like the work of a genie in the Arabian Nights. Only a decade ago, they were as illiterate, helpless, and hungry as our own masses. Who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how they had removed the mountain of ignorance and helplessness in the few hours. सो क्योंकि रशिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी एंड गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा उनकी हैफेजार हुई थी, तो उसके बाद इन लोगों ने, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि चाहे वहाँ पे जो वर्कर क्लास हैं वो ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी वो हैप्पी हैं और उन्हें इस फेमाइन से ओवरथ्रू करके अपने आप को बहुत आगे ले, और जो इट्स लाइक अ अरेबियन नाइट्स फॉर रविंद्रनाथ टैगोर की जो इतने ज़्यादा वहाँ फेमाइंस आए थे वो उससे भी ओवरकम कर गए, और वहाँ पे जो पहले इलिटरेसी और हेल्पलेसनेस इतनी ज़्यादा थी उसको भी उन्हें एलिमिनेट करके वो लिटरेसी की तरफ बढ़ रहे थे एंड दे बिकम पावरफुल. थैंक यू.